Good morning, everybody. थोड़ा कॉपी निकालिए, कुछ कुछ लिखते हैं पहले कॉपी में। जिन जिन बच्चों का कार्ड नहीं लिया हुआ ना, यहां से आके कार्ड ले जाना अपना, ठीक है। आप लोगों ने बुक ले लिया इंस्टीट्यूट से? इंस्टीट्यूट का बुक है आपके पास? यस और नो जल्दी बोलिए। ऐसा वाला बुक है आपके पास? क्यों नहीं लिए? अच्छा, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है क्या? ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। चलो कॉपी में एक बार लिखो तो। लिखिए सिलेबस। फर्स्ट पार्ट में लिखिएगा, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में लिखिएगा एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में। मेरे को सिलेबस डिजाइन कर लेने दो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। एग्जिस्टिंग एएस है 15, 21, 23, 27, 25, 28। ये एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। प्लीज एक्सप्लेन करता हूं, मेरे को पहले लिखा लेने दो, ठीक है। नंबर टू में लिखो ऑल इन डेज। लिख लिए और फिर लिखो नंबर थ्री, अकाउंटिंग फॉर कार्बन क्रेडिट। फोर, अकाउंटिंग फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। फाइव, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। सिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेवन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। And eight, value added statement. क्या लगता है, बहुत छोटा सिलेबस है कि बहुत बड़ा है? हाँ, किस लिए बड़ा? वो आठ ही तो है। हाँ, ये जो स्टोरी है ऑल
इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दिस विल मेक योर सिलेबस ह्यूज, मतलब बहुत 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 बड़ा सिलेबस है। कम से कम हम लोगों को 100 क्लासेस लगेगी, 100 क्लासेस ऑफ 3 आवर्स हम लोगों को लगेगा। अच्छा, आप लोगों का क्लास मंडे टू सैटरडे रोज है ना, और उसमें 4 क्लास मैं लाइव ले रहा हूँ, 2 क्लास रिकॉर्डिंग बोला गया है। कौन सा दिन रिकॉर्डिंग का? अच्छा, ये फिक्स किया गया है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इसका और इसका डिफरेंस आप समझते हैं? देखिए बोर्ड पे, दिस एंड दिस का डिफरेंस समझते हैं? ये जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये वही वाले हैं जो आप लोग आईपीसीसी में सीए इंटर में पढ़ते थे, ठीक है। और इसमें से ना ये जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कितना है देखिए नंबर में, 6, ये आप लोगों के आईपीसीसी के सिलेबस में नहीं था, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों के लिए नया है, आप ये समझ के चलो, आप लोगों को फ्रेश पढ़ना पड़ेगा। ये एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और ये इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, सारे पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपको मालूम है क्या कि इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सी कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल है, एंड ओनली एप्लीकेबल ऑन कंपनीज? डू यू नो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे को फॉलो नहीं करना, मेरे को मतलब सुदर्शन अग्रवाल इंडिविजुअल, इवन दो हिज नेटवर्थ में भी वेरी बिग, इंडिविजुअल्स आर नॉट कवर्ड अंडर इंड एएस सिस्टम। आपको मालूम है किसको कवर करना पड़ता है, कौन यूज करता है इसको? यू नो, नो, क्या चीज? हाँ, एग्जैक्टली 500 करोड़ नहीं बोल के बोलना चाहिए, 250 करोड़। वो कंपनीज जिनका नेटवर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेटवर्थ? हाँ, असेट माइनस लाइबिलिटीज, या शेयर होल्डर्स फंड बोलिए ना, जिन लोगों का शेयर होल्डर्स फंड 250 करोड़ से ऊपर का होता है, वो लोग खाली इंड एएस फॉलो करते हैं, और भी खाली कंपनीज, इट्स एप्लीकेबल ओनली ऑन कंपनीज। मतलब मुकेश अंबानी इंडिविजुअल स्टैंड अलोन, उसका नेटवर्थ कम से कम भी 2 लाख करोड़ रुपया का होगा, पर उसको अपना पर्सनल बैलेंस शीट इंड एएस पे नहीं बनाना है, तो फिर वो कौन सा एएस पे बनाएगा? आंसर ही जो एग्जिस्टिंग एएस है उस पे। मींस ऑन टुडे वी हैव 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 1 सेट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग एएस एंड 1 सेट इज कॉल्ड इंड एएस, एंड इंड एएस विल बी फॉलोड बाय विच कंपनीज? कंपनीज विथ नेटवर्थ ऑफ मोर देन 250 crores। अच्छा, प्लस ये भी सुन लो, हम आपको इंड एएस पढ़ाते पढ़ाते ना हम लोगों को 1 महीना लग जाएगा, हम लोग 1 महीने के बाद यहां पर पहुंचेंगे, 1 महीना हम लोगों को इन सब चीजों में लग जाएगा, 1-2 ये सब चैप्टर में लग जाएगा, उसके बाद लगातार 4 महीना हम लोगों को या 3 महीना लगातार इंड एएस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मार्क्स का भी पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, आई विल एक्सप्लेन दैट, आई विल गिव यू द आइडिया अबाउट दैट, लेकिन मैं बोल रहा था कि देयर आर 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 1 इज इंड एएस, जो कि ओनली दोज कंपनीज विच आर हैविंग नेटवर्थ ऑफ मोर देन 250 crores, प्लस दोज विच आर लिस्टेड एंटिटीज। लिस्टेड कंपनीज के लिए नेटवर्थ देखने की जरूरत नहीं है, उनका छोटा नेटवर्थ भी होगा ना तो भी उन लोगों को इंड एएस के अंदर आना पड़ेगा। सो लिस्टेड एंटिटीज विदाउट एनी लिमिट ऑन द नेटवर्थ, अनलिस्टेड एंटिटीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ मोर देन 250 crores विल हैव टू प्रिपेयर देयर, बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंड एएस। अब बाकी जितने लोग बच गए वर्ल्ड में, माने इंडिया में, वो लोग क्या करेंगे? हाँ, दे विल प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजिंग एग्जिस्टिंग इंड एएस, वैसे सॉरी क्या नाम, एग्जिस्टिंग एएस। अच्छा वैसे ये बताओ कि एग्जिस्टिंग एएस कितने, आपके आईपीसीसी में लास्ट वाला एएस कितना नंबर था? हाँ, 29, यू रिमेम्बर, तो लास्ट एएस वॉज 29। वही वाला जो सिस्टम नहीं था क्या, जो तुम लोग पढ़ के सीए इंटर पास किए, उसका 6 एएस सीए फाइनल के सिलेबस में भी है। आई एम वेरी सरप्राइज टू सी कि इसको क्यों डाला है, इसको भी आईपीसीसी में डाल देना चाहिए था, और आईपीसीसी के बच्चे इसको पढ़ते, फाइनल के बच्चे खाली ये सब पढ़ते, लेकिन इसको एक जबरदस्ती का डाला हुआ है। मेरे को लगता है क्यों डाला, उसका रीजन बताता हूं,
क्योंकि जो बच्चे लोग सीए इंटर पहले पास कर गए हाँ और वो लोग ये वाला पढ़े ही नहीं है ना, उनको ये नॉलेज देने के लिए इसको सिलेबस में डाला गया है. एंड आई एम वेरी वेरी फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट दैट ये 6 AS हटा दिए जाएंगे इन द नेक्स्ट 2 to 3 years. जब सीए इंटर में सारा AS आ जाएगा तो सीए फाइनल के बच्चे खाली इंड AS पढ़ेंगे. तो अब आप ऐसा समझ लो ना, बेसिकली सीए इंटर सिलेबस इज डिजाइंड फॉर कंपनीज विथ लोअर नेटवर्थ एंड अदर नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज. एंड सीए फाइनल सिलेबस इज डिजाइंड बेसिकली फॉर कंपनीज विथ अ नेटवर्थ हाँ लिस्टेड कंपनीज एंड कंपनीज विथ नेटवर्थ मोर देन 250 crores. ठीक, ये 6-7 नया टॉपिक है. कार्बन क्रेडिट, ई कॉमर्स की कोई बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, yatra.com, मेक माई ट्रिप, सब लोग यूज करते होंगे उसका ऐप. बोलिए हाँ या ना. तो उसका अकाउंटिंग सिलेबस में आया है. कार्बन क्रेडिट इज अ हैपनिंग थिंग. यू नो व्हाट इज कार्बन क्रेडिट? नो. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे. थोड़ा बहुत बच्चे बोल रहे हैं हम लोग जानते हैं कार्बन क्रेडिट. ये कुछ नए टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे. मार्क्स का वेटेज हम आपको धीरे धीरे करके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में बताते जाएंगे. ओके, सो लेट मी स्टार्ट आवर सिलेबस. ओके, कॉपी में लिखो. अच्छा, एक चीज और लिख लो ना, 9 नंबर में सम गाइडेंस नोट्स. छोटा छोटा 2-4 गाइडेंस नोट है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है सिलेबस में, बट लास्ट में ये भी एक तो लिख लो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. कॉपी में लिखो. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीचे में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर लिख लो. लिख लिए, स्टार्ट करें. देखिए, ये जो आप लोगों का टॉपिक है ना, ये वाला 15, 21, 23, 27, 25, 28, इसका वेटेज रहेगा 15% ऑफ द क्वेश्चन पेपर. 10-15% मतलब आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम 15 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, लेकिन 15 मार्क्स भी छोटा नहीं होता है. ठीक है, और 15 मार्क्स के लिए हम लोगों को करीब करीब, मेरे को ऐसा लगता है करीब करीब 12 से लेकर के 15 क्लास लगेगा. तो आप ये मान के चलो ऑलमोस्ट एक क्लास का एक नंबर, मैंने ऐसे ही बोला आपको, अप्रोक्सीमेटली 100 क्लास लगेगी मेरे को. तो एक क्लास का एक मार्क्स का हिसाब किताब रहता है हमेशा सिलेबस में. ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 21, 23 एंड 27. स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्लास ना. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 विल डील विथ कंसोलिडेटिंग योर सब्सिडरीज. AS 23 विल डील विथ कंसोलिडेटिंग योर एसोसिएट्स. AS 27 विल डील विथ कंसोलिडेटिंग योर जॉइंट वेंचर्स. सो दिस चैप्टर विल टीच यू हाउ टू कंसोलिडेट योर सब्सिडरीज, हाउ टू कंसोलिडेट योर एसोसिएट्स एंड हाउ टू कंसोलिडेट योर जॉइंट वेंचर्स. एंड लेट मी मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट कि ये तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड AS एप्लीकेबल नहीं है, माने ये इंड AS नहीं है, एग्जिस्टिंग AS है. मतलब कौन सी कंपनियों पे एप्लीकेबल है, कौन सी कंपनियों पे एप्लीकेबल है? हाँ,
छोटी कंपनियां, अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ लेस देन 250 करोड़ है, जैसे मेरा कंपनी है से स्पीड वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड, या मान लीजिए मेरा कंपनी है पीआर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, या एक तो मेरा कंपनी है मैग्नेट कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब मान लीजिए उस कंपनी में होल्डिंग इंटरेस्ट है कोई और कंपनी का, से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं आई एम हैविंग ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आई एम 100% ओनर ऑफ दिस कंपनी, आई माई वाइफ एंड माई फ्रेंड, 100% स्टेक हम लोगों के पास है ए प्राइवेट लिमिटेड, एंड से देर इज अ कंपनी कॉल्ड बी प्राइवेट लिमिटेड। बी प्राइवेट लिमिटेड का से 100% स्टेक ए के पास है, दोनों छोटा कंपनी है, नॉन इंड एस कंप्लायंट कंपनीज या नॉन इंड एस एप्लीकेबल कंपनीज हैं। अब बताओ ये बी प्राइवेट लिमिटेड ए प्राइवेट लिमिटेड का सब्सिडरी हुआ, यस और नो? आईपीसीसी में लॉ पढ़े हुए हो, लॉ के हिसाब से बताइए सब्सिडरी हुआ कि नहीं? कितना परसेंट से ज्यादा, थोड़ा सा ना बातचीत करते रहेगा मेरी क्लास में, कितना परसेंट से ज्यादा स्टेक रखने से हो जाता है सब्सिडरी? मोर देन 50 या एग्जैक्टली 50? हाँ, 50 रखने से नहीं होगा, 50.01% रख लीजिए हो जाएगा, इट हैज टू बी अ लिटिल मोर देन 50% स्टेक। तो मेरा तो कंपनी में 100% स्टेक है तो हाँ फुली ओन्ड, जिसको आप लोग बोलते हो होली ओन्ड सब्सिडरी। सो बी प्राइवेट लिमिटेड इज द होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड। नाउ ए प्राइवेट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय कंसोलिडेटिंग इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बी प्राइवेट लिमिटेड। वैसे तुम एक बात बताओ, क्या ए प्राइवेट लिमिटेड को अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लॉ के हिसाब से है, यस और नो? वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बी अपना बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब ए जो है ना उसको एक और जिम्मेदारी मिला है कि इट विल प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय एडिंग एज ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बी, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे, नाम देखो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट्स अ थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द फर्स्ट, बीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द सेकेंड, एंड देर इज अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज द थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें कि बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो सब बड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें दो कंपनी का बैलेंस शीट का फिगर एड हो जाएगा, और यह बनाने का जिम्मेदारी किसका है दोनों में से? ए का। सो ए इज नाउ रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय एडिंग द बैलेंस शीट, एडिंग द पीएल, एडिंग द कैश फ्लोज, एडिंग द नोट्स ऑफ ए एंड बी। सो नाउ ऑनवर्ड्स देयर विल बी थ्री नंबर ऑफ या थ्री सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कैसे कंसोलिडेशन होगा, वी विल लर्न दिस इन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? AS 21। अब मान लीजिए देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड सी लिमिटेड या सी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड होने से लिस्टेड या अनलिस्टेड नहीं हो जाता। लिस्टेड होने के लिए यू हैव टू इश्यू योर इक्विटीज और एनी इंस्ट्रूमेंट्स टू द पब्लिक। सो सी लिमिटेड मे बी अ पब्लिक कंपनी बट मे नॉट बी अ लिस्टेड एंटिटी, क्योंकि मान लो इसने पब्लिक में शेयर इश्यू ही नहीं किया तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इटसेल्फ लिस्टेड, तो वो नॉन इंड एस कंपनी है। ओके, अब ये मान लो 40% स्टेक रखती है, कौन? देख के बताओ डायग्राम और फटाफट ना रिएक्ट करना क्लास में। किसके पास 40% स्टेक है? ए के पास। तो कंट्रोल है क्या, सब्सिडरी है क्या सी? इज सी सब्सिडरी ऑफ ए? नो। जानते हो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? एसोसिएट रिलेशनशिप। कितना परसेंट से ज्यादा इक्विटी होने से? 20-20, 25 नहीं 20-20, थोड़ा ऊपर चले गए तुम लोग 25, थोड़ा नीचे आओ, इट इज 20% और मोर। उतना इक्विटी हो जाने से सी लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज एन एसोसिएट। हालांकि उसमें और भी लफड़ा है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। तो अगर एसोसिएट है ना, कौन? सी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड का जिम्मेदारी है
कि वो सी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी कंसोलिडेट करेगा बाय फॉलोइंग विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 एंड वी विल लर्न दैट. ये भी पढ़ना हम लोगों को. अब मान लीजिए देर इज ज्वाइंट वेंचर ना, मान लीजिए ज्वाइंट वेंचर का नाम है डी लिमिटेड. आप लोग ज्वाइंट वेंचर सुने हो कभी भी लाइफ में? सीपीटी में सुनते होगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग. तो अगर कोई ज्वाइंट वेंचर है जिसमें ए लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड और कोई और कंपनी मिलके डी लिमिटेड के अंदर में एक तो जेवी बनाया है, डी लिमिटेड को एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में बनाया है, तो ए लिमिटेड विल ऑल्सो हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसॉलिडेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डी लिमिटेड विच इज इट्स ज्वाइंट वेंचर. तो सर ज्वाइंट वेंचर कितना स्टेक से बनता है, उसमें स्टेक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसमें इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, जो हम लोग 5-6 क्लास के बाद में पढ़ेंगे. मोर देन स्टेक द इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट. इट मस्ट बी ए जेवी फॉर्म्ड बाई एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज. So, इसको थोड़ा देर के बाद में पढ़ेंगे, अभी मत सोचना इसका. बस ये सोचना कि अगर ए लिमिटेड के पास देर इज अ, बोलो कौन, ज्वाइंट वेंचर, देन ए लिमिटेड हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसोलिडेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डी ऑल्सो एज पर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS 27. तो पहला 8 क्लास या 7 to 8 नंबर ऑफ क्लासेस हम लोगों का इसमें इन्वेस्टेड होगा. ये मान के चलो अगला 2 वीक हम लोगों को यही पढ़ना है, एंड एट बेस्ट आपको इससे 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है, सो एक बार कंक्लूड करिए. AS 21 विल टीच अस, ऐसे मत बोलो, हाउ टू कंसोलिडेट अ सब्सिडरी, बिकॉज लॉ हैड ऑलरेडी टॉट यू हु इज ए सब्सिडरी. AS 21 will teach us how to consolidate a subsidiary. 23 will teach us how to consolidate an associate. 27 will teach us how to consolidate a joint venture. और यही वाला चीज के लिए Ind AS में सेपरेट रूल्स एंड regulations है, वो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे after 1 month. Is it done? लिखो. फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इफ ए कंपनी हैज आइदर अ सब्सिडियरी, दो तो ऐसी बंद कीजिए, और अ जॉइंट वेंचर और एन एसोसिएट कॉमा करके लिखना, इट विल हैव टू prepare consolidated financial statements by following accounting standards as follows. अब ये आप लिखिए AS 21 नीचे में, AS 21 क्या लिखोगे बोलो? कंसोलिडेशन ऑफ अ सब्सिडियरी. AS 23 बोलिए, कंसोलिडेशन ऑफ एन
एसोसिएट। अभी नया जो सीए इंटर का सिलेबस डिजाइन हुआ है ना, उसमें कंसोलिडेशन ऑफ अ सब्सिडरी को सीए इंटर में डाला गया है। थोड़ा सा बच्चों को बोला ब्रीफ आइडिया आप दे दीजिए, सो दैट जब फाइनल में जाएं तो थोड़ा प्रिपेयर्ड होके जाएं। लिखो एज 27, क्या लिखा बोलो, कंसोलिडेशन ऑफ अ जॉइंट वेंचर। अच्छा आप ये बताइए, पिछला 10-15 मिनट का क्लास से मेरे पास तीनों होना पड़ेगा क्या टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या एक होने से भी कंसोलिडेशन करना है? अच्छा लेकिन अगर तीन, अच्छा करेक्ट आंसर, योर आंसर इज करेक्ट ना, तीनों हुआ तो क्या तीन बार माने तीन ठो सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सीएफ तुम लोग सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बोलता होगा, आज से सीएफएस इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं मेरे को ये बता दीजिए, मेरे को तीन ठो सीएफएस बनाना पड़ेगा या एक ही सीएफएस में चारों को जोड़ देंगे, चारों समझ रहे हो, एक दो तीन और ये चार। जैसे मान लो मेरे पास तीन वो है, आई एम हैविंग वन सब्सिडरी, वन जेबी एंड वन एसोसिएट, विल आई टू प्रिपेयर फोर नंबर ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या वन में ही सब जोड़ जाड़ के एक साथ? हाँ वन में ही सब जोड़ जाड़ के एक साथ, देर बी वन सी एफ एस विच विल कंसोलिडेट माई सब्सिडरी जेवी एज वेल एज एसोसिएट्स। लेट अस बी वेरी क्लियर, इट्स नॉट थ्री सेपरेट सेट ऑफ सी एफ एस, इट्स वन सेट ऑफ सी एफ एस विच विल कंसोलिडेट माई सब्सिडरीज माई जेवीज एंड माई एसोसिएट। अच्छा ये भी तो हो सकता है ना, एक कंपनी के पास 40 ठो सब्सिडरी हो, रिलायंस के पास है 15 ठो एसोसिएट हो और 16 ठो जॉइंट वेंचर्स हो, है रिलायंस के पास ज्यादा है, हम जितना बोल रहे हैं उससे ज्यादा है, तो वो सबको मिलाकर के एक बड़ा सारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, और वही आपको अभी मेरे को पढ़ाना है। वैसे व्हाई रिलायंस विल नॉट फॉल अंडर दिस, हाँ रिलायंस इज ए लिस्टेड कंपनी विथ ए नेटवर्थ मोर देन 3 लाख करोड़, तो ऑब्वियसली दे विल फॉल अंडर इंड एएस कैटेगरीज, बट ठीक है छोटा कंपनी के लिए, इसीलिए देखो मैंने कैसा नाम दिया, ए प्राइवेट लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, नाम जैसे जिसका सुना हुआ नहीं हो। ठीक है लेट स्टार्ट, लिखो नंबर टू में लिखो हु इज ए सब्सिडियरी, बोलिए कैसा एंटिटी है, लॉ का डेफिनेशन बोलिए सीए इंटर वाला, माने पूरा वर्ड बाय वर्ड नहीं आइडिया वाइज बोलिए, जैसे यहां पे तुम लोगों ने सही बोला था, थोड़ा और इसको इलैबोरेट करो जिसमें सब कुछ कवर हो जाए। ए कंपनी इन विच द पैरेंट, उसको पैरेंट बोल दो, होल्डिंग कंपनी को पेरेंट बोल दीजिए, अभी कुछ दिन तक होल्डिंग कंपनी को पेरेंट या होल्डिंग कंपनी बोलते रहिए, इन विच द पेरेंट होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर या इक्विटी स्टेक या स्टेक, कोई भी वर्ड बोल दीजिए चलेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होने से भी चलता है, व्हाट इज इनडायरेक्टली, थ्रू अदर सब्सिडरी कंपनीज, गुड, थ्रू अदर कंपनीज, मतलब ऐसा चलता है क्या कि ए लिमिटेड एक कंपनी हो उसका बी में स्टेक हो और बी का सी में स्टेक हो तो क्या सी को भी ए का सब्सिडरी माना जाएगा? इज सी ए सब्सिडरी ऑफ ए, खाली यस और नो बोलो, तो इसको बोलते हैं हां इनडायरेक्ट होल्डिंग, और हम लोग इसको बोलेंगे चेन होल्डिंग, वी विल यूज द वर्ड
चेन चेन बन गया ना, देखिए एक तो ऐसा करके चेन बन गया, तो हम लोग इसको चेन होल्डिंग बोलेंगे। वैसे अभी जो तुम लोगों का सिलेबस नया जो डिजाइन हुआ सीए फाइनल का एफआर का, उसमें चेन होल्डिंग का सम्स कवर नहीं किया गया है, चेन होल्डिंग का सम्स कवर नहीं किया गया है। ऑल्दो आई विल डिस्कस दैट, एटलीस्ट एक सम हम बना करके रख देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ओके दिस इज हाउ अ चेन होल्डिंग इज क्या बोले कंसोलिडेटेड और चेन होल्डिंग इज डेल्ट विथ। तो सिलेबस में नहीं है, बुक में नहीं मिलेगा, बट वी विल गिव इट वन मोर क्लास, ओके। अच्छा, और कैसे होल्डिंग बनता है रे? जैसे ये तो बन गया, डन, थैंक यू। ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होने से तो एसोसिएट बनेगा। अरे ये तो कंट्रोल होने से ना सब्सिडरी बनेगा। ये बोल तो उसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्यों बोल रहा है? कंट्रोल वर्ड बोल। अभी तुम बोला सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और अभी क्या बोला? कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दीज टू वर्ड्स कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दे आर द हार्ट, एच ई आर टी, हार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। तुम कंट्रोल को अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से वो करेगा क्या बोलते हैं मैच करेगा, इट्स रॉन्ग। कंट्रोल इज अ सब्सिडरी होल्डिंग रिलेशनशिप, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज अ पैरेंट एसोसिएट रिलेशनशिप एंड जॉइंट कंट्रोल हाँ इज अ जेवी रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखो हु इज अ सब्सिडरी, नीचे में लिखो ए सब्सिडरी इज एन एंटिटी in which a parent niche likho a in which a parent niche a directly holds more than 50% voting rights आप लोगों के सिलेबस में खाली इसी का सम्स को रखा गया है, पहला वाला का, ठीक है, बट हम लोग दोनों पढ़ेंगे। बी में लिखो इनडायरेक्टली होल्ड्स, इनडायरेक्टली में ना थ्रू करके लिख दो, ऐसे लिखो इनडायरेक्टली ब्रैकेट में लिखो थ्रू इट्स सब्सिडियरी इनडायरेक्टली होल्ड्स मोर देन 50% वोटिंग राइट्स। तीसरा वाला बोलो, वो बच्चा कुछ बोल रहा था, तीसरा वाला बोलते बोलते रुक गया। और एक है हाँ कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द सेक ऑफ ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आप लोगों के लॉ की क्लास में कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी बोल के रोक दिया गया है, लॉ में उतना ही लिखा हुआ है। एस 21 बोलता है If we control the composition of BOD, not for obtaining the economic benefits out of it, we will not consolidate it. तो हम लोगों का एक लाइन जोड़ा गया है, एस 21 ने जोड़ा है कि controlling the composition of BOD for the sake of obtaining the economic benefits. For example, हम लोग अगर कोई ट्रस्ट के अंदर, मान लीजिए कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम लोग उसका BOD को कंट्रोल करते हैं, मान लो उसका जो भी ट्रस्टीज है हमारा ही डायरेक्टर लोग रहेगा और ट्रस्ट है। अब जैसे मान लो एक तो ट्रस्ट है हर्ष एजुकेशन ट्रस्ट, अब उसमें मान लो चार ट्रस्टी हैं, चारों मेरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे, तो हम तो कंट्रोल कर रहे हैं उसके कंपोजिशन ऑफ बीओडी को, बोलो हाँ या ना। लेकिन एम आई गोइंग टू ऑब्टेन द इकोनॉमिक बेनिफिट आउट ऑफ इट? नो, इट्स अ चैरिटेबल ट्रस्ट, आई विल नॉट टेक अ सिंगल मनी, हम एक रुपया वहां से नहीं लेंगे, हम देंगे ही उसको, लेंगे नहीं कुछ भी।
सो उसका कंसोलिडेशन नहीं होगा बिकॉज देयर मे बी ए कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ बीओडी बोलो बट द कंट्रोल इज नॉट फॉर द सेक ऑफ ऑब्टेनिंग नॉट फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हम लोग उसको बाहर रखेंगे सो आप लोगों ने कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बीओडी अच्छा बोला एक नया लाइन हम ऐड कर रहे हैं बट प्लीज ये लाइन आप लॉ में ऐड मत कर देना दिस लाइन इज ओनली फॉर AS21 इट्स न्यूली डिजाइंड फॉर AS21 लिखो इफ इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन of board of directors for obtaining economic benefits लिख लिए ना पूरा ग्रेट अच्छा आप सुनिए यू मे हैव ए सब्सिडरी आपके पास एक सब्सिडरी है लेकिन देर आर सम सब्सिडरीज हु आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ कंसोलिडेशन उनको कंसोलिडेट नहीं किया जाता दे आर एग्जेम्प्ट वेरी फ्यू आर एग्जेम्प्ट एंड हु आर एग्जेम्प्ट बोलते हैं जिस सब्सिडरी में आपका स्टेक टेम्पररी हो मतलब इफ यू हैड अक्वायर्ड द स्टेक फॉर द सेक ऑफ डिस्पोजल ऑफ दैट इन नियर फ्यूचर और नियर फ्यूचर इज द पीरियड ऑफ 1 ईयर अगर आपको एक साल के अंदर अंदर उस स्टेक को बेच देना हो तो उस तरह की सब्सिडरी को कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है इट्स एग्जेम्प्ट 2 इफ द सब्सिडरी इज वर्किंग अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस विच इम्पेयर्स इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर द फंड्स टू द पेरेंट उसको भी एग्जेम्प्ट उसको भी कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है कैसा बोलो तो सब्सिडरी इज वर्किंग अंडर क्या बोला सीवियर सुन आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं हाँ सब्सिडरी इज वर्किंग अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस विच इम्पेयर्स इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड्स टू द पेरेंट मान लो कोई सब्सिडरी पाकिस्तान में है प्री इंडिपेंडेंस हम लोग वो कर दिए थे उसमें स्टेक बना लिए थे और उसके बाद मान लीजिए लड़ाई हो गया हम लोग एनिमी कंट्री हो गए अब वहां से डिविडेंड का रिपेट्रिएशन पॉसिबल नहीं है कंपनी इज देयर इन पाकिस्तान वी आर इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी होल्डिंग को पैसा ही नहीं दे पाएगा प्रॉफिट कमा के डिविडेंड नहीं दे पाएगा सर क्यों वहां मना किया गया 1 रुपया आप इंडिया नहीं बेच सकते तो डू वी हैव ए सब्सिडरी जल्दी बोलो यस और नो नो कैसे मेरा क्वेश्चन नहीं बिना तुमको मैं पूछूंगा डू वी हैव टू कंसोलिडेट उसका आंसर नो होगा ना डू वी हैव ए सब्सिडरी नो मेरा इतना पैसा लगा हुआ 200 करोड़ रुपया आई हैड इन्वेस्टेड 200 करोड़ ऑफ मनी देयर तो डू वी हैव ए सब्सिडरी यस बट विल वी कंसोलिडेट नो वाई बिकॉज दैट सब्सिडरी इज बोलना है हाँ इज वर्किंग अंडर रेस्ट्रिक्शंस विच इम्पेयर्स इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड्स टू अस उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है अच्छा प्लीज किसी को कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी सब्सिडरी नहीं है अपन पैसा लगाएं अपना मोर देन 50% स्टेक है तो अब वो अपना सब्सिडरी तो है ही अपन कंसोलिडेट नहीं करेंगे अब मान लो किसी को टेम्पररी पीरियड के लिए हमने एक्वायर किया है अभी एक्वायर किया अगला 9 महीना में बेच देंगे तो कंसोलिडेट नहीं करेंगे ये सच है लेकिन वो सब्सिडरी तो है ही नहीं बाबा तुम लोग ऐसा मत बोला इट इज नॉट आवर सब्सिडरी नहीं तो लोगों को गुस्सा आएगा फिर पैसा लगाए ऐसे बेकार है का मेरा पैसा लगा हुआ मैं सब्सिडरी तो मेरा है ही वो हम खाली CFS नहीं बनाएंगे बिकॉज दैट सब्सिडरी इज बोलो एग्जेम्प्ट फ्रॉम कंसोलिडेशन दैट सब्सिडरी के अंदर माई इन्वेस्टमेंट इज टेम्पररी लिखो पैराग्राफ नंबर 3
एक्सक्लूजन फ्रॉम कंसोलिडेशन, लिखो देर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सिडरीज, which are excluded from consolidation requirements. अच्छा आप लोग ये बुक अभी नहीं ला पाओगे ना, मतलब आप लोगों के पास नहीं है तो आप नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर ये वाला नहीं है तो एक साल का है, नियर फ्यूचर में ये बुक कब तक आप ला पाओगे? नहीं ला पाओगे मतलब अगले एक महीना तक, तो ठीक है कोई बात नहीं, क्या लिखे, लेकिन आप इंस्टीट्यूट का बुक जुगाड़ कर लीजिए, बिकॉज इंस्टीट्यूट का बुक पढ़े बिना अगर आप किसी भी एग्जाम देने जाते हो, इट्स 85% प्रिपेयर्ड, 15% नॉट प्रिपेयर्ड. कोई भी ट्यूशन के यहां, कहां पर भी ट्यूशन जाते हो, वहां पे आप जब 100% सिलेबस कंप्लीट करते हो, दैट इज कंसिडर्ड टू बी 85% कंप्लीट, 15% स्टडी मॉड्यूल के पढ़ने से कंप्लीट होता है. स्टडी मॉड्यूल का एक एक पेज आपको पढ़ना जरूरी होता है, तो एकदम इसको टारगेट बना लीजिए कि जहां कहीं भी जो भी ट्यूशन पढ़े उसके साथ प्लस स्टडी मॉड्यूल हम जरूर कवर करेंगे. सीए इंटर में आप लोगों ने स्टडी मॉड्यूल हो सकता है खोल के भी नहीं देखा हो, है ना, अब आपको खोल के देखना है. सीए फाइनल यू विल नॉट पास इफ यू डोंट गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस व्हाइट ब्लू एंड ग्रीन बुक. ये जो भी कलर है मैं बोल नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सा ग्रीन थोड़ा सा ब्लू थोड़ा सा व्हाइट है, इसको आपको देखना है. इसको अगर बिना पढ़े जाएंगे मुश्किल है सीए फाइनल में, ठीक है. चल क्या लिखे बोला बोल तो. हाँ नीचे लिखो ए, इफ द इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी इज टेम्पररी कॉमा करके लिखो, दैट इज अक्वायर्ड विथ एन इंटेंशन टू बोलो क्या डिस्पोज इट इन, बोलिए कितना, डिस्पोज इट इन क्या नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर को ब्रैकेट में टाइम बताइए. हाँ विद इन वन ईयर, विद इन वन ईयर. नंबर बी, इफ द सब्सिडरी वर्क्स अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं बताया रे, बस एक तो जनरल आइडिया के हिसाब से कि जहां से पैसा आना बंद हो गया है, ऐसा प्योर जिसको बोलते हो ना एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है. बेसिकली जहां से अब आपको होप खत्म हो गया है, जहां से पैसे आने, अब जैसे मान लो ना कोई वो साला वो जो आईएसआईएस जहां पे है, वो सीरिया वीरिया का जो वो साउथ साउथ सीरिया वाला जो इलाका, वहां पे तेरी सब्सिडरी है, गया ना भाई वो, आप हमको बता गया कि नहीं गया. अब वो कब वो पैसा आना चालू होगा, कब वहां फैक्ट्री खुलेगा, अब कोई उम्मीद नहीं है. तो उस तरह का सब्सिडरी को कंसोलिडेट करने का कोई मतलब नहीं है. तो इट्स बेसिकली एग्जैक्टली आप क्वांटिफिकेशन पूछेंगे तो इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है. लॉन्ग टर्म माने कितना लॉन्ग टर्म, दे हैव नॉट डिफाइंड इट. तो मैनेजमेंट के कॉल के ऊपर छोड़ दिया गया है. क्या लिखा बोलो बच्चों,
हाँ आप इतना लिखने से भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा एक एक पैरा और ऐड कर दो, विच इम्पेयर्स इट्स एबिलिटी, to transfer funds to the parent. होमवर्क होमवर्क बनाएंगे ना आप लोग. To transfer funds to the parent. नंबर फोर. ठीक है, इस तरह का सब्सिडरी को क्या करना है? कंसोलिडेट नहीं करना है, लेकिन बाकी जितना भी सब्सिडरी है आपका उनको कंसोलिडेट करना है बाई फॉलोइंग AS 21. तो हम लोग AS 21 स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, वैसे पिछला दो पैराग्राफ भी AS 21 का ही था, बट अभी कंसोलिडेशन स्टार्ट कर रहे हैं. पहले मुझे बताइए व्हाट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब ऐसे मत बोलेगा वो वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें दोनों जोड़ा हुआ है. मेरा कहने का मतलब था व्हाट आर टू बी प्रिपेयर्ड व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम क्या बनाएंगे? हाँ, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स ऑन अकाउंट्स. यस, यही सब बनाएंगे इसमें. लिखो व्हाट आर इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. लिखिए, इट इंक्लूड्स, ए में नहीं ऊपर में, इट इंक्लूड्स CFS, इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बी कंसोलिडेटेड P&L, सी कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, डी बोलिए कंसोलिडेटेड नोट्स ऑन अकाउंट्स. ये अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप कॉपी में नहीं लिखोगे, आप आंसर मन मन में मेरे को दे दोगे. मतलब आप मुझे आंसर देंगे, हु विल प्रिपेयर CFS. हाँ, पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी. तो होल्डिंग कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट बनेगा ना, उसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होना चाहिए. उसको ROC को CFS देना है. ROC को जो अपना स्टैंड अलोन बैलेंस शीट देता है ना, अभी साथ में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी देना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देना पड़ेगा. पेरेंट इज रिक्वायर्ड टू डू दैट. ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लिखाएंगे, बिफोर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इट. देखिए क्वेश्चन इज व्हेन विल बी द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार कब बनेगा? द आंसर इज जिस ईयर में हम लोगों ने बीइंग ए पेरेंट एक सब्सिडरी को अक्वायर किया होगा. द ईयर इन विच वी हैड अक्वायर्ड द सब्सिडरी. कैसे अक्वायर किए होंगे? अरे सिंपल क्वेश्चन से पुराना पुराना बोलो. सर स्टेक खरीद के अक्वायर किए होंगे, तो स्टेक खरीदने में पैसा लगा होगा ना. पहले यह बता, पैसा लगता है तब सब्सिडरी घर में आती है. पेन भी घर में तब आती है जब पैसा लगता है. तो पेन तो क्या 20 रुपए में आ जाती है, सब्सिडरी को 20 करोड़ में लाना पड़ता है. स्टेक एक्विजिशन मीन्स अ बिग थिंग. हा, तो ये बताइए कि रदर मैं बताता हूं. मान लो ये करेंट ईयर है, करेंट ईयर इज से 1890 में मान लो 1718
I acquired 80% stake in a subsidiary. कब हम पहली बार कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे? डेट बोलना है, डेट बोलना है। हाँ, 31/3/19, ठीक है। मेरा 18/19 का जो पीएनएल बनेगा वो कंसोलिडेटेड पीएनएल भी बनेगा। ओब्वियसली हम अपना वाला तो बनाएंगे ही, से आई एम ए लिमिटेड, आई एम द पेरेंट, तो बी से मिला के जो पीएलएम बनाएंगे वो 18/19 में फर्स्ट टाइम बनाएंगे। बट यस, तेरे मन में सवाल चल रहे होंगे कि सर 18/19 में सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस आप ऐड करेंगे वो तो खाली 9 months का ही करेंगे ना इन दिस एग्जांपल। ट्रू, बिकॉज आर कंसोलिडेशन प्रोसीजर कैन ओनली स्टार्ट फ्रॉम आगे बोलो, तुम इस एग्जांपल से बोलो। हाँ, फ्रॉम 1/7/18, बिकॉज इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1/7/18 के पहले तो वो मेरा सब्सिडरी था ही नहीं ना, तो हम कैसे उसको कंसोलिडेट करेंगे? तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1/7, बट 31/3 को तो था ना वो, बोलो। हाँ, तो 31/3 का हम बैलेंस शीट कंसोलिडेट करेंगे, 18/19 का हम पीएल जोड़ेंगे, पर उसका प्रॉफिट लॉस 9 months का ही जोड़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, लिखो। When CFS will be prepared for the first time? आप लोग जवाब देंगे। हाँ, लिखो, CFS will be prepared for the first time in the year. CFS will be prepared for the first time in the year in which the subsidiary is acquired. Good. अच्छा, जरा बात बोल रहे हैं, हमने यहां पे सब्सिडरी कब खरीदी? अच्छा, प्लीज, पैसा लग के सब्सिडरी घर में आएगी ये बात भूलना मत। तेरा रुपया लगेगा, एक कंपनी खरीद रहे हो बोला तो पेन खरीदने में भी पैसा लगता है, तो यहां तो कंपनी खरीद रहे हैं, बहुत पैसा लगेगा। नाउ मुझे ये बोलना था, से 1/7/18 को हमने सब्सिडरी को अक्वायर कर लिया, फ्रॉम दिस डेट वी स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग इट। 18/19 वॉज द फर्स्ट ईयर इन विच वी एक्चुअली कंसोलिडेटेड आवर सब्सिडरी। ऑब्वियसली द प्रॉफिट एंड लॉस, द कैश फ्लो ऑफ द सब्सिडरी वॉज कंसोलिडेटेड ओनली फॉर 9 months, दैट डन, ये बात हो गई। 1920 में हम कंसोलिडेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। 2021 में करेंगे, 21/22 में भी करेंगे, करेंगे ना। अब मान लो 22/23 में क्या हुआ, ध्यान से सुनना, 22/23 में क्या हुआ कि 1/11/22 हम लोग सब्सिडरी बेच दिए, 1/11 करीब करीब कितना महीना हुआ रे, 7 months ना, काउंटिंग मत करना, छोड़ दो, 7 months करेक्ट ना, जो भी हो वो 7 इज करेक्ट ना। मान लो 7 months के बाद हमने बेच दिया, 31/3/23 को इट वॉज नॉट आवर सब्सिडरी, इट वॉज नॉट आवर सब्सिडरी, बट 1/4/22 को इट वॉज आवर सब्सिडरी। अगर जवाब दोगे तो मानेंगे आप बढ़िया बच्चे हैं। मेरा क्वेश्चन ढंग से सुनना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, कंसोलिडेटेड पी एंड एल बनेगा नहीं बनेगा? सबके अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं। अब तो हिंट दे दिए हम पूरा यार, अब तो हिंट दे दिए। हाँ, बैलेंस शीट नहीं,
किसको जोड़ोगे उस दिन, है क्या वो सब्सिडरी जो जोड़ोगे? फॉर कंसोलिडेटिंग द सब्सिडरी देयर शुड बी ए सब्सिडरी, आई मीन फॉर कंसोलिडेटिंग द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो एज ऑन होता है ना यार, एज ऑन होता है, तो उस दिन तो सब्सिडरी है ही नहीं, तो कैसे जोड़ देंगे? सो वी विल नॉट प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/23 पीएल। हाँ हाँ, कब तक जोड़ेंगे? अप्रैल से लेकर के नवंबर तक, प्लीज मत बोलना अक्टूबर तक, हमको भी मालूम है अक्टूबर तक। हाँ, अब 1/11 नवंबर निकल के हम क्या करें? कहां से कहां तक, फिर से बोल दो, अप्रैल से अक्टूबर तक। नवंबर दिसंबर का फिगर को हम लोग कंसोलिडेट नहीं करेंगे, एंड कंसोलिडेटेड कैश फ्लो भी बनेगा। और बैलेंस शीट रिलेटेड नोट्स मत बनाना, लेकिन पीएल रिलेटेड और कैश फ्लो रिलेटेड नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो ये एकदम लॉजिकल आंसर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? जैसे यहां पे तुमने लॉजिकल आंसर दिया था, क्या दिया था कि 31/3/19 का ये कौन सा, याद है कौन सा साल था ये, जिस साल वी हैड अक्वायर्ड द सब्सिडरी, तो उस वक्त तुमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो बनाया था March 2019 का, लेकिन पीएल कितना महीना का जोड़े थे? 9 months का। तो लॉजिकल था ना सारा बात, लिखो। कहां तक लिखे तुम लोग? नहीं, 5 में क्या लिखे बोलो तो। हाँ ठीक है ठीक है, फुल स्टॉप करके वहीं पे लिख लो। इफ द कंट्रोल रिलेशनशिप इफ द कंट्रोल रिलेशनशिप, अच्छा सब्सिडरी वाली रिलेशनशिप को कंट्रोल रिलेशनशिप बोलते हैं। इफ द कंट्रोल रिलेशनशिप इज लॉस्ट देन द कंसोलिडेशन का आवाज आ रहा है, ये इसी से आ रहा है, स्पीकर से आ रहा है, अभी चालू हुआ अचानक ना। ठीक है भाई, इसको रिपेयर कराना पड़ेगा। क्या लिखा बोलो? देन द कंसोलिडेशन विल नॉट बी रिक्वायर्ड देयर आफ्टर। ठीक है, नंबर 6 लिखो, हाउ टू कंसोलिडेट इसको डैश करके लिखना, कंसोलिडेशन प्रोसीजर। देखिए पहला प्रैक्टिकल डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कहानी कि मेरे पास एक होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट है मेरा अपना, और मेरे पास एक सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट है, हम उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो कंसोलिडेशन का तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होगा ना। ऑल दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन AS 21, यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। द रूल्स आर डिस्कस्ड इन द पैरा कॉल्ड कंसोलिडेशन प्रोसीजर। द फर्स्ट प्रोसीजर इज और द फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन एक्विजिशन। अगर आपने 80% स्टेक खरीदा है तो उस दिन का, वर्ड्स पे ध्यान देना, उस दिन का
सब्सिडियरी कंपनी का जितना इक्विटी था, इक्विटी किसको बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, हाँ, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड को इक्विटी बोलते हैं ना, तो उस दिन उसका जितना शेयर होल्डर्स फंड था उसका जितना परसेंट तुम इक्विटी खरीदा, से यू एक्वायर्ड 80%, तो उसका 80% निकाल लो एंड कैंसिल इट अगेंस्ट द अमाउंट दैट यू पेड फॉर दैट, द डिफरेंस विल बी कॉल्ड गुडविल और कैपिटल रिजर्व। मान लो हम लोग 1/4/18 को कोई सब्सिडरी खरीदे एंड से वी एक्वायर्ड 80%, बोर्ड पे देखिए प्लीज, एंड से वी पेड 72 लाख फॉर दैट, उस दिन सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी कैपिटल था 10 लाख, उस दिन उसका रिजर्व एंड सरप्लस था 50 लाख, उसका टोटल था 60 लाख रुपए का नेटवर्थ, नेटवर्थ, नेट असेट, इक्विटी, तीनों एक ही वर्ड है, नेटवर्थ, नेट असेट और इक्विटी। ये इक्विटी कैसे है सर, बैलेंस शीट में इक्विटी लिखने का तो आदत ऐसा, इसको इक्विटी लिख के तो लिखते हो, ये नेट असेट कैसे है, अरे सर असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्विटी और असेट माइनस लाइबिलिटी इज नेट असेट, नेटवर्थ, तो ठीक है ना, इसका कितना परसेंट खरीदे तुम लोग वैल्यू वाइज, हाँ थैंक यू, दिस इंटू 80% दैट इज 48, उसके लिए तुम लोग पे कितना किए 72, तो कितना एक्स्ट्रा पेमेंट किए 24, दिस इज कॉल्ड गुडविल, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल का ही दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल खरीदने के लिए, कंपनी का कंट्रोल लेने के लिए हम लोग इतना पैसा एक्स्ट्रा दिए, सो दिस एक्स्ट्रा पेमेंट इज कॉल्ड गुडविल। अपन बोलते थे ना, याद है अमलगमेशन में, नेटो से पीसी जितना ज्यादा हम लोग देते हैं उसको गुडविल बोलते हैं। ये भी देखिए एक तरह से नेटो है कि नहीं, वाई नेटो इज मेड 80%, बिकॉज वी आर एक्वायरिंग 80%, अमलगमेशन में इट वॉज ऑलवेज फुल, बिकॉज अमलगमेशन में आप पूरी कंपनी खरीद लेते थे, यस और नो? तो इस तरीके से गुडविल निकलेगा और ये गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी आएगा ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इनटैंजिबल असेट के अंदर में शो करना पड़ेगा। जल्दी से यस नो बोलो, लिखो ए, कंप्यूट गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व नीचे में लिखो ए के अंदर में, यहां गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन क्या, गुडविल इज द, एक मिनट रुकना मैं जरा कोशिश करता हूं इसको ठीक करने का, कम हुआ नहीं ना, ओके लिखो, गुडविल इज द, क्या लिखा, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोपोर्शनेट इक्विटी, अभी अचानक चालू हुआ, शुरू से नहीं था, हाँ क्या लिखा, गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोपोर्शनेट इक्विटी ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक बार ना बोर्ड पे ये पंचो देखो ना क्या आवाज चालू हो गया, देखो अजीब सा, एक बार यहां पे जो वो तार है ना उस तार को निकाल के वापस रखो ना, यहां पे कुछ हिल डुल रहा हुआ तार, देखो ना माइक का आवाज है, मैंने क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर्स की आवाज है,
स्पीकर का कनेक्शन यहां पे देखो ना कहां से है। यहां से जो भी तार जा रहे होंगे ना उनको देखो, ये रेड वाला तार एक बार निकाल कर, को डर लग रहा है कि अगर हम खोल खाल दिए कुछ भी तो क्लास गड़बड़ हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, लीव इट। बोलू मैं, गर्ल्स प्लीज, ये एग्जांपल देख लो अभी थोड़ी देर। ये एग्जांपल हम थोड़ी देर के बाद आपको लिखाएंगे, ये अभी आप नहीं लिखोगे, पहले चारों पांचों स्टेप लिखोगे उसके बाद हम बात करेंगे। हाँ तो गुडविल कैसे निकल रहा है देख के बताओ। डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये 72 लाख क्या है ये? हाँ अमाउंट पेड है, गुड। ये किसने पे किया है? होल्डिंग कंपनी ने। किस लिए? सर स्टेक खरीदने के लिए। आप तो बोले थे ना स्टेक खरीदने का पैसा लगता है, तो ये पैसा लगा और क्या। और ये कहां से लाए 48? सर ये प्रोपोर्शनेट इक्विटी है। किसका? सब्सिडरी कंपनी का। इक्विटी का मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस या एसेट माइनस लायबिलिटीज। और वो 48 के लिए हम लोग 72 लाख रुपीज दिए हैं जल्दी, तो दैट एक्स्ट्रा पेमेंट इज गुडविल, एंड इफ देर इज लेस पेमेंट वी विल कॉल इट कैपिटल रिजर्व बी। फाइंड आउट यहां पे प्रॉब्लम है, फाइंड आउट ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अपना स्टेक कितना है, बाहर वालों का कितना है, परसेंटेज में बोलो। अपना 80% है, बाहर वालों का, वो जो बाहर वालों का 20% है ना उसको बोलना माइनॉरिटीज, आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स आर कॉल्ड माइनॉरिटीज, उनका इंटरेस्ट इज कॉल्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उस 20% का वैल्यू कितना है? थैंक यू 12 लाख, थैंक यू, यू आर गोइंग, यू आर गेटिंग इट, गुड। 12 लाख कैसे निकाले? 60 का 80% अपने पास है, तो 60 का 20% 12 लाख रुपया माइनॉरिटीज के पास है। इसको बोलते ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या? ओपनिंग, फर्स्ट डे वाला माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब लिखो सी, थर्ड पॉइंट, कंसोलिडेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी ऑन अ लाइन बाय लाइन बेसिस on a line by line basis full stop, transfer the share of minority from the profit of subsidiary and balance should go to reserves and surplus ये बोर्ड पे देखिए मैंने कुछ बनाया है। ये ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी। यहां पे नाम मैंने नहीं बोला, ए और बी ये मान लो नाम। ओके 80% स्टेक खरीदे, डेट 1/4
डेट 1418 हम लोगों ने 80% स्टेक बी में खरीदा एंड दिस इज हाउ इट हैपेंड. आपने गुडविल निकाला, आपने ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला, उसके बाद आपको मैंने बोला पीएल कंसोलिडेट करो बिकॉज 1418 के बाद का तो पीएल कंसोलिडेट होगा ना. ये दोनों का अलग अलग पीएल है, ये तुमने कंसोलिडेट किया. देखो कैसे कंसोलिडेट किए, लाइन बाय लाइन ऐड करना है, एक एक लाइन आइटम को पकड़ पकड़ के जोड़ते जाओ. सेल विथ सेल, परचेज विथ परचेज, सैलरी विथ सैलरी, प्रिंटिंग विथ प्रिंटिंग, स्टॉक विथ स्टॉक, वेजेस विथ वेजेस, डेप्रिसिएशन विथ डेप्रिसिएशन, टैक्सेस विथ टैक्सेस, एवरीथिंग विथ एवरीथिंग, ऐड करते जाओ. उसको बोलते हैं लाइन बाय लाइन एडिशंस. क्या बोलते हैं? ये देखिए मैंने लाइन बाय लाइन एडिशन किया. देयर मे बी 20 आइटम्स ऑफ इनकम्स, देयर मे बी 70 आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस. ये ए का है, ये बी का है, ये स्टैंड अलोन है, ये कंसोलिडेटेड है. बोर्ड पे देखिए क्या हुआ. 160 ओके बोलना है, ओके या नॉट ओके. 110 ओके, 50 ओके, 2 इज नॉट ओके. तू कहां से लाए? तू किस लिए? 50 का 20% इज तो 10 होता है, 10 का 20% होगा. क्यों? थैंक यू. हाँ देखिए बच्ची क्या बोल, मजॉरिटी ऑफ द मिस्टेक्स यहीं पे होता है. बच्चे लोग क्या करते हैं, 50 लाख निकाल देते हैं और बोलते हैं 50 लाख का 20% माइनॉरिटी का, तो माइनॉरिटी को दे दो 10 लाख. माइनॉरिटी का कंसोलिडेटेड ग्रुप के अंदर 20% स्टेक नहीं है. माइनॉरिटी का स्टेक कहां पे है? सिर्फ सब्सिडरी के अंदर. तो सब्सिडरी का जितना प्रॉफिट है उसका ना 20% माइनॉरिटी लेगा. जल्दी बोलो हाँ या ना. तो सब्सिडरी का तो प्रॉफिट 10 लाख है ना, तो 10 लाख का ना 20% 2 लाख माइनॉरिटी लेगा. तो ये ध्यान देना, ये मिस्टेक होता है. बच्चे कैसे ऐड किए, ऐड किए, ऐड किए, ऐड किए, 50 आया माइनॉरिटी, 20% 50 लाख का 20% दे दिया. उससे तो क्या हो गया, साला सब्सिडरी जितना कमाया उतना माइनॉरिटी ले गया, तो अपन को तो कुछ मिला ही नहीं. क्या मिला? हाँ ये जानते हो ना क्या था, कपिल शर्मा का था ही, तो बेचारा डिप्रेशन में चला गया. नाउ लीव इट. ये क्लियर है एकदम, एपिसोड क्लियर है. जल्दी से यस नो बोलना है. ये सब आपको अभी करने देंगे पहला एग्जांपल में, इसको हम अभी कॉपी करने नहीं दे रहे. डी फाइंड आउट क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट. अब अपना कॉमन सेंस लगा के बोलिए, व्हाट इज क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन दिस एग्जांपल फिगर वाइज. इन दिस एग्जांपल फिगर वाइज एक साल के बाद का माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? नहीं अमाउंट, अमाउंट बोलना है, परसेंटेज तो वही है. अमाउंट में वो कितना पैसा पाता हम लोगों से? 14. गुड. कैसे? तो सर 12 लाख तो पहले का ही था, 2 लाख और प्रॉफिट का ऐड हो गया उसके अंदर, उन्हीं को तो मिलेगा ना ये प्रॉफिट. तो 12 प्लस 2 लाख 14 लाख इज क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट. एंड शो दैट, शो दैट अमाउंट जस्ट बिलो शेयरहोल्डर्स फंड, जस्ट बिलो शेयरहोल्डर्स फंड एंड जस्ट अबव नॉन करेंट लायबिलिटीज. एंड जस्ट अबव नॉन करेंट लायबिलिटीज कहां पे दिखाना है? क्लियर है क्या? माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जो 14 लाख आया, क्या बोले कहां पे दिखाएंगे? अच्छा बैलेंस शीट का आइटम है कि नहीं माइनॉरिटी इंटरेस्ट? वो पैसा पाता है ना एक तरह से हम लोग से, 14 लाख रुपए. शेयर होल्डर है, सब्सिडरी कंपनी का शेयर होल्डर लोग हैं, बट स्टिल दे आर शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर को ठीक है, इक्विटी आप लोग बोलते हैं, लाइबिलिटी नहीं बोलते. तो इसीलिए हम लोग लाइबिलिटी के थोड़ा ऊपर में दिखा रहे हैं और इक्विटी के थोड़ा
नीचे में दिखा रहे हैं, इंडेस वाले जितने लोग होते हैं ना, इंडेस कंप्लायंट कंपनीज, वो लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट को इक्विटी के अंदर दिखाता है। हम लोग का एग्जिस्टिंग एएस में उसके लिए बीच में एक तो जगह बनाया गया, ना तुम घर का है ना तुम बाहर का या घाट का जो बोल दो, ना तुम इधर का ना तुम उधर का है, लेकिन इंडेस में माइनॉरिटीज आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इक्विटी। ये महीना भर के बाद हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बाय एडिंग आइटम्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज on a line by line basis, full stop. Don't forget देखिए तो ये मैंने बोला don't forget, इसके लिए क्या करना है इसको बोलो, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो इंटेंजिबल असेट में दिखाओगे ना, ये हम लिखा रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। एंड डोंट फॉरगेट दिस, क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसको वहां दिखाओगे ना, कहां पे, नॉन करेंट लायबिलिटी से ऊपर और शेयरहोल्डर्स फंड के नीचे, तो डोंट फॉरगेट टू शो goodwill and minority interest. क्लास का पहला एग्जाम्पल ये आप करके देंगे, दिस एग्जाम्पल आप ये समझ लो, ये आपको बेसिक कंसोलिडेशन का आइडिया को क्लियर करके देगा, एकदम बेसिक आइडिया। लिखो, ए लिमिटेड अक्वायर्ड एटी % स्टेक इन बी बाय पेइंग नहीं, नया एग्जांपल देंगे, 72 तो कॉपी हो जाएगा, फिर तुम क्या करेगा, तुमको तो आंसर सारा याद ही हो गया है। बाई पेइंग 530 लैक्स, फुल स्टॉप, ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड शोड SHOWED ये कॉपी करो देख के, लिख लिए। नेक्स्ट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of A limited and B limited for the year 1819 is given below.
टोटलिंग खाली चेक करते रहना, क्योंकि वो रॉन्ग हो जाएगा तो फिर पूरा बैलेंस शीट रॉन्ग हो जाएगा, हम लोग टैली नहीं कर पाएंगे। ये ठीक है, नीचे लिखो द बैलेंस शीट of the two companies as on 31/3/19 कॉपी करना। अरे इन्वेस्टमेंट कितना में खरीदा था बताओगे? 700 कितना दिए ना, 500 कितना, 530 दिए ना। ठीक, ये बैलेंस शीट है, वर्टिकल फॉर्म में ही दिए हैं, टी शेप में नहीं दिए हैं। इन्वेस्टमेंट देख लो कहां पे है, नहीं हुज बैलेंस शीट, ए लिमिटेड, वाई सीपीटी क्वेश्चन, ए इज द होल्डिंग, ए हैज एक्वायर्ड, ए हैज पेड मनी, ए हैज द स्टेक, ए हैज द इन्वेस्टमेंट। तो ए ने 530 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, वो आपको ए का स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में मिलेगा। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट, हेलो सुनना, यही इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं रहेगा, बिकॉज ये गुडविल निकालने के वक्त कैंसिल हो जाएगा। फाइंड आउट गुडविल में बोले ना, इन्वेस्टमेंट और प्रोपोर्शनेट इक्विटी कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी की जगह इस कंपनी का सारा असेट और लायबिलिटीज लाइन बाई लाइन एड हो जाएगा। अभी आप वो होता हुआ देखेंगे, रादर आप ही करेंगे एक एक स्टेप, खाली हम डायरेक्ट करते जाएंगे, आप आंसर देते जाएंगे। Why this is 540 खाली बात कर लो, क्वेश्चन देखो और बताओ why this is 540, why this is 540, इसका जस्टिफिकेशन है, आपके पास आंसर है इसका। 1/4/18 के दिन उसका रिजर्व एंड सरप्लस कितना था देखो, 400, और करेंट ईयर में इफ इट अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 140 ऑब्वियसली इट विल बी 540। अच्छा, इफ दिस इज 900 बोर्ड पे देखो एंड दिस इज 300, तो 600 मस्ट बी व्हाट, ओपनिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो वो भी भूलिएगा मत, वो 600 आपको याद होना चाहिए, वो ऐसे आपको निकालना पड़ता है मेहनत करके, वो क्वेश्चन वाले लोग नहीं देते हैं, वो आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो निकाल पाओगे, बैक जाने से आ जाएगा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन के अंदर, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, गुडविल कैसे निकलेगा बोलो, आपको पीछे पलट के देखना है, अलाउड है, लेकिन अपना दिमाग लगाना है।
500 इंटू 80%, गुड गोइंग माइनस 530। एक मिनट रुको, 500 का 80% क्यों? सर ऐसा ही आप बोले तो अब क्यों तो हम क्या बोले, हम लोग तो इसका 80% ही खरीदे है ना, तो कितना का माल हम लोग खरीदे? 400। उसके लिए पेमेंट ज्यादा दिए ना, ज्यादा दिए कि कम दिए? तो ज्यादा देने का नाम गुडविल है, सो दैट 130 इज गुडविल। क्लियर है? एक बार वापस से चेक कर लो, अगर क्लियर नहीं है तो। क्लियर है तो वापस से चेक करने का जरूरत नहीं है, जबरदस्ती लिखो ऐसे। सर ये 500 क्या चीज है? आपका सबका गुडविल कॉपी हो गया ना, ये कॉपी हो गया, बोलो। शेयर होल्डर्स फंड है, क्या क्या चीज मिला के है? देख देख के बोलते रहो, क्वेश्चन पेपर को देखते रहो। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस मत बोला करो, बिकॉज रिजर्व एंड सरप्लस इटसेल्फ इज एन इक्विटी। सो ऑलवेज यूज द वर्ड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर हम इसको ऐसे बोले, ये 100 और 400, देखो इधर 100 और 400, 100 का 80%, 400 का 80% मिला के 400 है। अरे 100 प्लस 400 का 80% बोल दो, या 100 का 80% प्लस 400 का 80% बोल दो, एक ही बराबर तो बात है। ठीक है, डन। टू, ये निकाल के दीजिए। कैसे निकाला बोलो? ओपनिंग फर्स्ट डे का 1418, फाइव हंड्रेड इंटू 20%, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। बोलिए, इनकम्स, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल मिला के आपको 5 फिगर लिखने हैं, जस्ट 5, मिस्टेक मत करना। बोलिए, इनकम्स, करेक्ट, एक्सपेंसेस, करेक्ट, करेक्ट, यहां तक करेक्ट। हाँ, ये कैसे निकाला?
140 इंटू 20%। जानते हो कई बार क्या होता है बेटा, ये 140 इंटू 20% किए ना तुम लोग, तो उसके लिए तो तुमको 140 चाहिए ना, ये दिया हुआ नहीं रहता है, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, माने ये पीएल भी खुद को बनाना पड़ता है अपना हाथ से। वो लोग डिजाइन कर देगा इस तरह का सम कि ये देगा नहीं, और इतना गंदा लोग रहता है ये देता नहीं है और जानबूझ के 440 दे देगा, ताकि किसी तरीके से तुम बस 440 का 20% ले लो और तुमसे गलती हो जाए। सो दे विल इनवाइट यू टू मेक मिस्टेक बिकॉज दे नो दिस इज द एरिया वेयर पीपल मेक मिस्टेक्स। तो कुछ छुपा के कुछ ना कुछ कर्म कांड करके दे विल ट्राई टू हाइड दिस फिगर फ्रॉम यू। सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस, या जिसको तुम लोग बोलते हो बैलेंस कैरिड ओवर टू द बैलेंस शीट, 412। क्या आप मानते हो इसमें होल्डिंग कंपनी का भी करेंट ईयर का प्रॉफिट घुसा हुआ है और सब्सिडरी का प्रॉफिट का अपना हिस्सा इसमें इंक्लूड है? कॉन्फिडेंस नहीं है। इसमें होल्डिंग का अपना पूरा प्रॉफिट है कि नहीं? कितना अमाउंट बोला तो 100%, ये तो भाषण जो है ना 300, और सब्सिडरी का जो 140 का प्रॉफिट है उसका 80% 112, ये 412 ये अपना है। अरे अपना तो अपना है ही, और सब्सिडरी का भी तो 80% अपना ही है, तो ये अपने रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा क्या? अब बताओ अपना ओपनिंग रिजर्व सरप्लस कितना था? ओपनिंग ये देख के बोलना, तुम्हारे पास लिखा हुआ नहीं होगा, ये देखो यहां पे, यहां देखो बोर्ड देखो प्लीज, ये है ओपनिंग, ये अगर नहीं लिखोगे तो फंस जाओगे। तो सर आप तो नहीं लिखा है, अरे तो वही तो टेस्ट है ना, कैसे निकाले 600? अरे 300 करेंट ईयर, 900 एक्यूमुलेटेड, बैलेंस शीट तो क्लोजिंग फिगर होता है ना, तो ये 600 अपने को निकालना पड़ता है मन से बैक जाके। क्लियर? नाउ यू टेल मी, ये जो 412 है कहां पे जाके क्या चीज के साथ ऐड होगा? जस्ट थिंक ये 412 करेंट ईयर का प्रॉफिट है ना, तो अपना पुराना प्रॉफिट कितना है? 600। 300 नहीं है, 300 तो इस साल का है। आवर ओल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज 600 विच वी कॉल रिजर्व एंड सरप्लस ओपनिंग बैलेंस, एंड दिस इज करेंट ईयर रिजर्व एंड सरप्लस। तो ओपनिंग प्लस करेंट ईयर इक्वल टू क्लोजिंग, तो ओपनिंग इज 600 प्लस 412 इज करेंट ईयर, 600 प्लस 412 1012 इज कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? डिफिकल्ट लग रहा है? यस नो कुछ तो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4। क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, सभी बच्चे लोग क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट पता करो। बोलिए कैसे निकाला? 100 प्लस
शेयर कैपिटल कौन सा वाला लिखा जाएगा बोर्ड पे देख के बताओ। हाँ यहां देखते जाओ थोड़ा देर, आराम से बोलना। शेयर कैपिटल दोनों लिखना है या खाली ये वाला? थोड़ा गेस वर्क, थोड़ा कोशिश, थोड़ा वर्क, थोड़ा मेहनत करके बताओ, खाली ये वाला या 300? सर नहीं बोल पाएंगे, आप ही समझाओ। नहीं 280 नहीं, मैंने दो पूछा तो मैं आपको गूगल ही नहीं करूंगा। अभी पहला दिन है ना बेटा, अभी आप इतना स्मार्ट नहीं बना, अभी धीरे धीरे जब आप चैप्टर का नॉलेज हो जाएगा ना तब ये सब बहस कराएंगे। अभी मैं अगर जो पूछ रहा हूं वही उसी में से एक आंसर है। खाली बोलो 200 या 300? 200। जानते हो क्यों? क्योंकि सुनो मैं रीजन देता हूं, 200 इज करेक्ट आंसर। ये 100 आप कभी भी इसके साथ ऐड मत करना, इक्विटी कैपिटल ऐड नहीं होता है, असेट और लायबिलिटी लाइन बाय लाइन ऐड होता है। क्या? असेट और लायबिलिटी। आप मेरा वर्ड देखिए वहां जाके, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, 5 नंबर स्टेप कंसोलिडेशन प्रोसीजर का, बाय एडिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन अ लाइन बाय लाइन बेसिस, नॉट इक्विटी। असेट लायबिलिटी ऐड होगा। आइए लॉजिक देता हूं। ये जो 100 है ना, ये 100 और इसका 540 का 400, देख रहे हो लॉजिक दे रहा हूं क्यों नहीं ऐड होता है। इसका 400, ये दोनों का 80%। हां लॉजिक लग रहा है, उस बच्ची का दिमाग लग रहा है, अभी लगाओ। इस दोनों का 80% इस वाले इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो गया, कैंसिल हो गया, एडजस्ट हो गया। तीनों में से कोई भी नाम दीजिए, आपने अपने हाथ से एडजस्ट किया था सर। लेकिन भूल तो जाते हैं ना। हाँ तो ठीक है, भूल जाते हो तो अब याद रखो, आपने कैंसिल किया था इसका 80%, बोलो हाँ या ना। तब तो गुडविल आया था ना, और आप तो ये गुडविल दिखाओगे ना बैलेंस शीट में, तो जब जो चीज कैंसिल हो गया वो दोबारा बैलेंस शीट में कैसे आएगा जी? ये तो उड़ गया, इट्स एलिमिनेटेड, इट्स कैंसिल्ड। और रुको, इसका जो 20% बच गया, हाँ, और उसको आप अभी अलग से बैलेंस शीट में दिखाओगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के, तो जब आप उसको अलग से दिखाओगे तो फिर इसको भी दिखाओगे, उसको भी दिखाओगे, कैसे मैच करेगा? लायबिलिटी साइड विल बिकम हेवी। जल्दी बोलो, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट सुनो, इस 140 का भी 80%। हां बोलिए, मेहनत कीजिए। इस 140 का भी 80% रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऑलरेडी ऐड हो चुका है। यहां देख लो, ये देखो, ये बोलो यस और नो, तो दोबारा ऐड मत करना, हो गया ऐड। और 140 का 20% आप बोलेंगे नहीं तो कभी नहीं होगा, होल्डिंग हम बता रहे हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड हो रहा है, तुम किए अपने हाथ से किए कि नहीं बताओ, तो ऐड मत करना दोबारा। तो सर आप फाइनल ऑर्डर दे दीजिए ना, माय फाइनल ऑर्डर इज सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस दोबारा ऐड मत करना। असेट लायबिलिटी ऐड होता है भाई, इक्विटी ऐड नहीं होता है। इट्स द असेट एंड लायबिलिटी विच इज एडेड। इक्विटी के तो आप प्रॉफिट लॉस से अपने आप ही ऐड करते जाएंगे, और कैपिटल तो ऐसे भी कैंसिल हो जाता है। तो सर ऐसे बोल सकते हैं क्या, कैपिटल और एक बार बोर्ड पे देखो, थोड़ा देर ध्यान दे दो इधर, फिर अपना कॉपी में रिवीजन कर लेना। कैपिटल और पुराना प्रॉफिट, पुराना प्रॉफिट को ध्यान देना, व्हाई आई एम सेइंग पुराना, कौन सा इसमें पुराना प्रॉफिट? नहीं नहीं, होल्ड सब्सिडरी का, इसकी इसका, हाँ पुराना माने क्या? पुराना ओपनिंग माने क्या? ऐसे पुराना बोला, पुराना माने ओपनिंग, ओपनिंग माने पुराना, हाँ बिफोर एक्वायरिंग। तो बिफोर एक्वायरिंग जो प्रॉफिट रहता है ना वो गुडविल कैलकुलेशन में चला जाता है। हम लोग इसको बोलेंगे कल से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पुराना ओपनिंग
प्री एक्विजिशन, तीनों का नाम सेम, तीनों एक ही चीज है, वो गुडविल कैलकुलेशन में चला जाता है, ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चला जाता है, बोलो हाँ या ना। और नया प्रॉफिट, नया मतलब कौन सा है, यहां देख के बोलना है, यहीं पे फोकस रखो, अपना आंख यहीं रखो, 140, उसका 80% अमाउंट नहीं बोल रहा हूं, कहां जाता है बोलना है, गुड, अपने रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है, क्योंकि अपन जब पीएल बनाते हैं ना, ये देखो इसमें ऑटोमेटिकली घुस जाता है, बोलिए हाँ या ना। और बाकी माइनॉरिटी का पैसा माइनॉरिटी में चला जाता है। सो फाइनल वन लाइन आंसर, व्हाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एड असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन लाइन बाय लाइन बेसिस, नॉट इक्विटी, नॉट इक्विटी। ओके गुड, कैपिटल लिख दो 200। तो ऐसे भी बोल सकते हो सर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैपिटल होल्डिंग का आता है, इसको थोड़ा इजी करना है तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैपिटल होल्डिंग का आता है। अच्छा, रिजर्व सरप्लस 1012 समझ में आया अच्छा से। अब लिखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अमाउंट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब आप लोग ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए लाइन बाय लाइन बेसिस, नॉन करेंट लायबिलिटी को लाइन बाय लाइन में ऐड कीजिए, जैसे इनकम एक्सपेंस किए थे वैसे ही। आपको आंसर बोलना है 500। करंट लायबिलिटीज, वन जीरो सिक्स जीरो, ट्वेंटी नाइन हंड्रेड, इज इट डन? नहीं, लायबिलिटी साइड इज डन, मतलब समझ में आ रहा है ना कैसे क्या हो रहा है। कंसोलिडेशन का बेसिक प्रोसीजर आपको सिखाया जा रहा है, दिस इज हाउ कंसोलिडेशन गेट्स डन। असेट साइड लिखिए, मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में वो जो भी बैलेंस शीट मैंने सम में दिया है ना लास्ट डेट वाला, उसमें सारा टैंजिबल फिक्स्ड असेट ही था। क्या करना है उसको ऐड करना है, लाइन बाय लाइन एडिशन असेट और लायबिलिटी का ही होता है, ऐड कर लो। ये इनटैंजिबल असेट कहां से लाए बताओ? गुडविल, मैंने बोला ना डोंट फॉरगेट, यही है डोंट फॉरगेट, वहां ला करके लिखना है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिख रहे हैं देख के बताओ?
कैंसिल आउट हो गया, तो याद रहेगा ना कैंसिल आउट हो गया। हेलो, वो याद रखना है कैंसिल आउट हो गया। चलो बाहर निकाल के आंसर दे दो बेटा। ये हो गया 1230। करेंट असेट बताओ, दोनों का करेंट असेट का एडिशन, ऐड किया हुआ फिगर 1670। ब्रॉड ब्रॉड सेंस में बोलो क्या क्या खास खास बात था जो तुमको लगता है सर ये सीख तो गए, मोटा मोटा बात ये है माइनॉरिटी इंटरेस्ट को निकालना, ओपनिंग प्लस करेंट ईयर मूवमेंट, ओपनिंग प्लस करेंट ईयर मूवमेंट, ठीक। और ओपनिंग रिजर्व होल्डिंग कंपनी का पता करना, वो 600 अगर नहीं होता, हेलो ये जो 600 नहीं होता, 412 निकाल के भी बोलिए क्लोजिंग नहीं आता। यस दैट इज ए टास्क, ट्रू। एक क्वेश्चन पूछता हूं थोड़ा घुमाने के लिए, जवाब दीजिए। तो ये ओपनिंग 600 था, इसका भी तो ओपनिंग 400 था, बोलो हाँ या ना। 1000 क्यों नहीं लिए सॉल्यूशन में, खाली 600 क्यों लिए? अभी जवाब दिए सर, वो गुडविल में इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में कैंसिल हो गया। और सर आप ऐसे भी बोले हैं, इक्विटी का लाइन बाय लाइन एडिशन नहीं होता है, ये खाली मेरा ही लिया जाता है होल्डिंग का। और प्लस जब हम होल्डिंग बना लेते हैं ना, तो सब्सिडरी कंपनी जितना भी बाद में प्रॉफिट अर्न करता है उसका खाली 80% हम अपने पीएल में लेते हैं, हाँ अपने रिजर्व एंड सरप्लस में लेते हैं। उसका पुराना प्रॉफिट, पुराना कैपिटल, वो सब हम लोग ऐड नहीं करते, दे आर नॉट एडेड लाइन बाय लाइन बेसिस। क्लियर? एक बार इसको देख के बताओ ना, क्या आपको ऑनेस्टली ऐसा लगता है, इसको देखो सब कोई, कि ये मेनली कंसिस्टिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी डेटा, खाली थोड़ा सा 112, हाँ देखो एक बच्चा पकड़ रहा है, खाली सर 112 ऐड हुआ है वहां से, तो वो 112 क्या चीज है, इसको भी दिमाग में बिठाओ, अच्छा अच्छा वर्ड है, प्रॉफिट है ना, पूरा बोलो। कौन से पीरियड का? पोस्ट एक्विजिशन, ठीक से बोलिए, देखिए समझिए, टाइम लीजिए, हड़बड़ गया है, इतना अच्छा बोल रहे, एक बच्ची ठीक बोल रहे, करेंट ईयर के प्रॉफिट का है, तो करेंट ईयर का प्रॉफिट कौन सा है, पोस्ट एक्विजिशन है कि प्री एक्विजिशन है? हाँ, तो इसको ना बड़ा लेसन के रूप में लो कि वी ओनली एड, हाँ वी ओनली एड सब्सिडरी का दैट प्रॉफिट विच बिलोंग्स टू अस After our acquisition in the subsidiary, बड़ा लाइन है ये कि हम सब्सिडरी के सिर्फ उन्हीं फिगर्स को ऐड करते हैं प्रॉफिट वाले जो हमारे होल्डिंग करने के बाद वो कमाता है, तो हमारे होल्डिंग करने के बाद वो जितना मेरे लिए कमाता है हम खाली उतना ही ऐड करते हैं मेरे रिजर्व सरप्लस में, बाकी तुम देखो ना मेरा रिजर्व कितना है, 1212 है ना, बोलो ना 1212 में देखो ना सलाम, मेरा ही तो 900 है, देख 9 भी कहां, 900 और 200, 1100 तो मेरा ही है, तो वहां का तो खाली 112 आया ना, तो 112 क्या है, करेंट ईयर का प्रॉफिट है, करेंट ईयर कौन सा पीरियड है, पोस्ट एक्विजिशन, तो आप ऐसे बोलेंगे वी आर एंटाइटल्ड ओनली फॉर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी, वो भी अपना स्टेक खाली, बिकॉज बैलेंस 20% गोज टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फैंटास्टिक, ये चीज याद रखिएगा कि हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में सब्सिडरी कंपनी का खाली वो वाला प्रॉफिट आता है। तीसरी बार सेम लाइन बोलने बोल रहा हूं,
जो हम लोगों के होल्डिंग करने के बाद में सब्सिडरी अर्न करता है, वो भी हमारे लिए. इज इट डन? बाकी तो असेट लाइबिलिटी का लाइन बाय लाइन एडिशन समझ में आया होगा एकदम अच्छा से. बाकी सारा कंसोलिडेशन का प्रोसीजर समझ में आया. एक बेसिक छोटा सा एग्जाम्पल से आई एक्सप्लेन द कंसोलिडेशन प्रोसीजर. सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है? किसी का भी आइडेंटिटी कार्ड यहां पे है ना, वो ले जाओ अपना आइडेंटिटी कार्ड ब्रेक में. 10 मिनट्स के में मिलते हैं. पैराग्राफ का नया नंबर, नया पैरा का नंबर बताइए. कितना लास्ट पैराग्राफ था? अभी 7 होगा. लिखो. एक बार खुद थोड़ा देर सोचिए, बाद में हम नोट लिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जो भी लगेगा टाइम हम लोग पढ़ेंगे. माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अमाउंट का क्या होगा अगर सब्सिडरी कंपनी बाद में लॉस रिपोर्ट करेगा? कम हो जाएगा ना? सोच लो एक बार. आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी लास्ट डेट में कितना था, क्लोजिंग इस एग्जाम्पल में, सम में 128 था ना. मान लो अगला साल, अगला साल माने कौन सा साल, सम देख के बोलना, 1920, उसमें सब्सिडरी कंपनी को लॉस हो गया 500 लाख का. क्या होगा वो 500 लाख के लॉस का? हाँ, माइनॉरिटी को माइनस करेंगे ना. कितना? 100. अभी माइनॉरिटी कितना है? 128. कितना हो जाएगा? हाँ, ओनली 28. गुड. अब ये सोचो, अगर वो लॉस 700 होता, अगर वो लॉस 700 होता, अच्छा पहले आपका 500 का ट्रीटमेंट करेक्ट है, आपने करेक्ट बोला. नेक्स्ट, अगर वो लॉस 700 होता और उसका स्टेक 140 होता और उसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग था 128, तो क्या करते? What is to be done? Can you make a guess? Can you make a guess? How much? नहीं, वो तो ठीक है, माइनॉरिटी का बात खाली कर रहे हैं. अरे ऑब्वियसली वो तो जो आप बोल रहे हैं, दैट इज करेक्ट. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. अभी प्रॉब्लम समझेगी नहीं क्या हुआ? प्रॉब्लम इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज कमिंग नेगेटिव. अगर उसका लॉस आप उसको दे देते हैं और माइनस करेंगे, 128 माइनस 140 इज माइनस 12. असेट साइड में चला जा रहा है. तो डू यू थिंक कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैन गो टू द असेट साइड? जस्ट थिंक. अब सुनिए, मैं आंसर देता हूं. यू लीव, यू डोंट थिंक. सुनिए, आंसर इज, इंस्टीट्यूट ने बोला इसको 128 तक ही लॉस देना है. द माइनॉरिटी विल टेक द लॉस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इंटरेस्ट इन द बैलेंस शीट. जैसे ही उसका इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा, वो और लॉस नहीं लेगा.
उसका भी शेयर का लॉस मेजॉरिटी को ही मिलेगा। मतलब अगर माइनर सब्सिडरी कंपनी को 700 का लॉस हो गया तो ट्रांसफर टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट 128 और बैलेंस ट्रांसफर टू होल्डिंग कंपनी 572। सर प्रिंसिपली तो 140 और 560 मिलना चाहिए था ना? यस। तो सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट जीरो हो गया, जीरो के बाद और लॉस देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज शेयर होल्डर का बैलेंस को डेबिट साइड में नहीं लिखा जाता है। यू कैनॉट रिकवर एन अमाउंट फ्रॉम देम, दे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट। शेयर होल्डर का तो लिमिटेड लाइबिलिटी होता है ना, तो असेट साइड में नहीं लिखते हैं, जीरो करके छोड़ देते हैं, फटाफट फटाफट जीरो करके छोड़ देते हैं, और बाकी जितना भी उसका लॉस आया वो होल्डिंग कंपनी बियर कर लेता है। और कितना बचा जो होल्डिंग बियर किया, देख के बताओ? 12। गुड, कैसे पकड़ा? अरे सर 140 माइनस 128, ठीक है सर, ये समझ में आता है, क्लियर है। इसके बाद भी जब जब लॉस होगा, वंस दे बिकम जीरो, फिर जितना बार भी लॉस होगा, बोलो आगे, सारा लॉस होल्डिंग कंपनी के पल्ले में जाएगा, होल्डिंग कंपनी के पार्ट में जाएगा। लेकिन बाद में जब भी सब्सिडरी प्रॉफिट रिपोर्ट करेगा तो पूरा प्रॉफिट होल्डिंग ले लेगा, अपना पूरा सब्सिडरी कंपनी वाला जो माइनॉरिटी वाला जो लॉस था ना, उसको जब तक रिकवर नहीं कर लेता, सारा प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी ही लेता जाएगा, और रिकवर करने के बाद फिर माइनॉरिटी और होल्डिंग जैसे बांटता वैसे बांटेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक का सीन क्लियर है? ये कौन सा साल का लॉस है? 700, 1920, कैसे डिस्कस हुआ, क्लियर है? नाउ से इन 2021 सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट वॉज 50 लाख, टेन माइनॉरिटी का है, देंगे क्या उसको? 10 है माइनॉरिटी का, हम भी मानते हैं, देंगे उसको या हम लोग अपना रिकवर करें? हम लोग माने होल्डिंग कंपनी, उसको नहीं देना, अपने रिकवर करेंगे पूरा, 40 तो अपना है ही, उसका वाला 10 भी हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि पिछला बार उसका वाला 12 हम लोग बियर किए थे ना, वो 10 हम लोग टान लेंगे। तो दिस फुल 50 विल गो टू होल्डिंग कंपनीज रिजर्व सरप्लस। नेक्स्ट ईयर अगर फिर प्रॉफिट हुआ 50, बोलिए, 8 उसको देंगे, 42 हम लेंगे, किस लिए? अपना तो 40 ही बनता है ना, उसका 10 है सर, 2 उसका पुराना लॉस हम बियर किए थे ना, तो वो 2 हम अपना रिकवर कर लेंगे, उसको 8 दे देंगे और मेरा 42 हो जाएगा। जस्ट टेल मी, दिस इज अ बिग पैराग्राफ ऑफ होल्डिंग कंपनी चैप्टर, डिड यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली? पक्का 10 मार्क का क्वेश्चन इसके बहुत बार आता था, अब क्योंकि थोड़ा सिलेबस छोटा हो गया है, 4 मार्क्स 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। आपका जो नया सिलेबस का बुक है उसमें 2 क्वेश्चन है इसी सब्जेक्ट पे, ऑन दिस पैराग्राफ, पहला वाला अभी हम करवाएंगे, बस लिखो। The share of, heading क्या दियो मालूम है ना, heading क्या है? Effect on minority interest of loss of subsidiary, लिखो the share of loss of subsidiary will reduce the minority interest full stop if the share of loss exceeds
the balance in minority interest then the minority will get the loss only to the boliye kya the loss only to the extent of the balance only to the extent of balance of minority interest. Full stop. So, once minority interest becomes zero, bolna hai aapko, once minority interest becomes zero, any further loss, comma करके लिखो, any further loss, जवाब, will be borne by या will be transferred to majority holding company's interest, majority interest, holding के हिस्से में चला जाएगा. माने एक तरह से क्या हुआ रे, holding ने minority के loss को बोलो होल्डिंग ने माइनॉरिटी के लॉस को बियर कर लिया अब्सॉर्ब कर लिया. कब तक कहां से जीरो तक नहीं किया, जीरो होने के बाद जीरो तक तुम है, तेरा मरने तक तुम, तेरा मरने के बाद का जिम्मेदारी मरना जीरो, यहां जीरो को मरना बोल रहे हैं, उसके बाद का जिम्मेदारी मेरा. बाद में प्रॉफिट होएगा तो तेरा पुराना लॉस जितना हम बियर किए थे उतना प्रॉफिट हम रिकवर कर लेंगे, उसके बाद प्रॉफिट तेरा. लिखो पैरा चेंज पैराग्राफ नंबर सेम. इफ द सब्सिडरी कंपनी रिपोर्ट्स प्रॉफिट्स सब्सिक्वेंटली द होल्डिंग कंपनी विल take the entire profit will take the bolo sir entire profit till it recovers. It recovers ke baad wala paragraph aap bologe, till it recovers the previous losses of bolo nahi of subsidiary mein bolo of minority absorbed by it. yes no karke bol dijiye point ekdam clear hai ya point clear नहीं है. ऐसा बहुत सारा पॉइंट आगे धीरे धीरे करके आएगा. हम इस पॉइंट पे एक सम करा रहे हैं. इसके दो सम आपके नए वाले मॉड्यूल में हैं. ठीक है, हम पहला सम आपके साथ कर रहे हैं. हम मॉड्यूल से आपको सम दिखा रहे हैं. अभी तो आपके पास सम नहीं है, आई एम सॉरी. नेक्स्ट क्लास में हम ये सब सम का अरेंजमेंट कर देंगे या उसके नेक्स्ट वाली क्लास में कर देंगे. ये वाला सम हम लोग कर रहे हैं. देखिए दिस वन, ये अभी आधा है, आधा उधर और दिखाएंगे. आपको सम कॉपी करना जरूरी है या हम दिखाते रहेंगे तो हो जाएगा? सम लिखना चाहेंगे पूरा? थोड़ा सा ये चार लाइन पांच लाइन है, यू कैन राइट इट. लिखो, ये नेक्स्ट क्लास में आपको बुक में मिल जाएगा. फोटो खींच लीजिए ना मोबाइल में. अबे छोड़ ना, नेक्स्ट दिन तो हम दे ही देंगे, इतना भाषण है. अभी के लिए बोल रहे हैं, दो फोटो खींचना है. ठीक है, नहीं दिख रहा ना?
बड़ा करें थोड़ा सा, कैसे बड़ा करेंगे, रुको नहीं कर पा रहे भाई हम, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बोलो, देख पा रहे हो कि नहीं, बोलो, खाली देखने लायक करना है, गुड। और ये इधर में तीन लाइन और है, हो गया। चलिए अब बैठ के आराम से छह लाइन पढ़िए क्वेश्चन का, प्लीज रीड द सम केयरफुली, दिस सम कैन कम फॉर 5 to 6 मार्क्स इन द एग्जाम। दो जब दो बार दिया है ना तो इंपॉर्टेंट है, समझ लो। Yes. हाँ जरूर, कैमरा नहीं है, अच्छा अच्छा पुराना होल्डिंग कंपनी बुक्स है, देखो तो पुराना होल्डिंग कंपनी का बुक्स है तो देखिए ना, 70% स्टेक खरीदा कब बोलो तो, 1/4 2010, उसको 10 बोलता हूं, एक्स इज वन, 1/4 10 को खरीदा, कितना रुपया पेमेंट किया, 10 लाख, और उस दिन कैपिटल कितना था सब्सिडरी का, 10 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस था 80,000। पहले इतना से बोलिए क्या निकल जाएगा इस, अभी 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 पढ़ के गए, डेढ़ घंटा सीरियसली पढ़े एकदम, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं किए, गुडविल निकलेगा ना, इतना से गुडविल निकलेगा ना, गुडविल निकाल के तो तब माने कि आप सीखे थे सोए नहीं थे, जल्दी नहीं चाहिए आराम से। गुडविल निकाली कैलकुलेटर पे नहीं, कॉपी में लिख के नहीं, कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे निकालिए ना, बाद में तो कॉपी में तो लिखेंगी। 244 निकल गया, कैसे, गुड आंसर, 10,80,000 इज द टोटल वर्थ नेट असेट मल्टीप्लाइड बाय 70% 756, उसके लिए हम दिए 10 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद इन द 4 कंजीक्यूटिव ईयर्स बी बैडली सफर्ड लॉसेस, अच्छा एक बात यह भी बता दो, ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हुआ था, ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग सब निकालेंगे बैठ के, अभी 10,80,000 का ही तो 30% माइनॉरिटी का होगा 3,24,000, उसके बाद उसके बाद देखिए सब्सिडरी कंपनी को लॉस होना चालू हो गया, 250, 4 लाख, 5 लाख, 120, 4 साल लॉस हुआ। फिर बोलता है उसके बाद फिफ्थ ईयर में टर्न अराउंड हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, सिक्स्थ ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, 7 ईयर्स का डिटेल दिया है, और बोला शो द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड गुडविल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल का दूसरा नाम है, हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वर्ड यूज नहीं किया ना क्लास में, कभी भी किया था क्या, गुडविल का ही दूसरा नाम है। आपका गुडविल कितना आया था, 2,44,000, ये देखिए इनका आंसर गुडविल का,
वो एक ही बार निकलेगा, हर बार 244 ही रहेगा। तो गुडविल और माइनॉरिटी निकालने बोला है। अच्छा, माइनॉरिटीज में लफड़ा आएगा ना अभी, बोलिए क्या लफड़ा आएगा माइनॉरिटी में? हाँ, लॉस वाला, प्रॉफिट वाला, सब वो सब हिसाब करना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू डू दैट। पहले लिखो कॉपी में, उस बच्चे को दे दीजिए, उस बच्चे को। पेज नंबर मैं तेरे को बता देता हूँ सर। ना ना, तुम छोड़, ये अलग से उस बच्चे के लिए बोल रहा हूँ। फिफ्टी वन में चला जा, क्वेश्चन नंबर नाइन देखता रहो। अच्छा, आप लोग अपना मोबाइल फोन देखते रहो। लिखिए गुडविल, बोलिए। इन्वेस्टमेंट 244 लाए थे ना आप लोग, मोबाइल पे देख देख के बोलिए। मिला ना आपको सम? तो नाइन नंबर पेज में है, तो आप उसी से बोलो ना। बोलो इन्वेस्टमेंट कितना लिखूं? 10 लाख, गुड। क्या माइनस करेंगे? ₹10,80,000 का 70%। अच्छा, हम इसको क्वेश्चन नंबर फाइव इसलिए लिखे कि वहां बुक में इट वॉज इलस्ट्रेशन नंबर फाइव। अच्छा, अभी जो नया सिलेबस, आप लोगों को मालूम है, आप लोगों का नया सिलेबस डिजाइन हुआ इसी साल से, एप्लीकेबल किया है इंड एस्ट वाला, जो पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो रीडिजाइन हो गया ना सिलेबस पूरा। तो जो भी स्टडी मॉड्यूल में ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द आंसर्स, विल डिस्कस जस्ट एवरीथिंग, ठीक है? और फर्दर इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या नया मटेरियल आएगा उसके हिसाब से आपको और एडिशनल मटेरियल भी दिया जाएगा। टिल दैट टाइम आप लोग पूरा स्टडी मॉड्यूल मेरी क्लास में बैठ के कवर करोगे। सिलेबस तो पूरा कवर करेंगे, एक एक इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल वाला कवर करेंगे, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज बुक्स, माने क्या बोलते हैं, इंक्लूडिंग वो जो प्रैक्टिस मैनुअल तो है नहीं ना, अब प्रैक्टिस मैनुअल इज नाउ गॉन, इन डेज आ गया ना जी। तो मैट में जो एक्सरसाइज होता नहीं, क्या एक होता है इलस्ट्रेशन, एक होता है एक्सरसाइज, तो वो एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है? वो बुक हम बना बना के आपको देंगे। चलिए, कितना निकला? 356,000, 324, ओके। अब आपके पास अगला सेवन ईयर्स का जो भी प्रॉफिट लॉस है, लॉस प्रॉफिट नाम दे दे के बताओ। लॉस 250, 4 लाख, 5 लाख,
ये भी लॉस है 120, लॉस 120, प्रॉफिट 50, 1 लाख 150, 7 ईयर्स का डिटेल है। नाउ माय ओनली क्वेश्चन, कैसा आप चाहेंगे प्रेजेंटेशन, हाँ मेरा क्वेश्चन है उसको जवाब दो, फिर आप जैसा बोलेंगे वैसा बनाएंगे। एक तरीका यह है कि ओपनिंग से स्टार्ट किए, ऐसे पूरा वर्टिकल फॉर्म में प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस ईयर 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 करके लंबा 7 साल तक लिखते चले गए। नहीं तो ऐसे किए, ओपनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस, क्लोजिंग टेबल में बनाए, उसमें 7 लाइन से ही अपना काम हो जाएगा, फिर जब 0 हो जाएगा तो फर्दर लॉस उसको नहीं देंगे। तो ऐसे लंबा करके बनाओगे, ऐसे टेबल करके बनाओगे। तो टेबल में जरा ध्यान देके, हाँ थोड़ा राइट हैंड साइड में जगह छोड़ने का, क्यों बोल रहे हैं, अगर आपको मन करेगा कि कुछ और लिखने का है तो आप लिखिएगा, इवन अगर आपको रिमार्क्स भी लिखने का मन करेगा लिखिएगा, उन्होंने खाली माइनॉरिटी इंटरेस्ट मांगा है, ठीक है। सो ऐसे करते हैं, लिखो नंबर 3 करके, टेबल शोइंग क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट ईच ईयर, ओपनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस, क्लोजिंग यहां दाहिना में मेरे पास 2 कॉलम का जगह है, जो लगेगा यूज करना है कॉलम में लिखना है हम लोग लिखेंगे। पेशेंस के साथ धीरे धीरे करके मूव करते जाओ। फर्स्ट ईयर का नाम बताओ, ईयर का नाम 2010-11, ठीक है। यहां कॉलम में जगह है, हाँ यहां कॉलम और बनाएंगे, और कैलकुलेटर पे मेहनत स्टार्ट करो, स्टार्ट वर्किंग। हाँ बोलो, ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट 324, कितना प्रॉफिट लॉस उसका है और देंगे कि नहीं देंगे बताओ। ठीक है 75,000, कितना है उसका है बोलो, उसका शेयर ऑफ लॉस उस साल का। कैलकुलेटर लाए नहीं क्या फर्स्ट डे, प्लीज कैलकुलेटर नेक्स्ट डे से लाना है। 70 उसको मिलेगा ना ये लॉस, कब तक देंगे ऐसे लॉस, 324 तक, हाँ 0 होने तक 324 तक, गुड। गुड, ऐसे मेहनत कीजिए, 10 मिनट लगेगा। बोलिए, देखिए कैलकुलेटर नहीं तो क्या, ऐसे फिगर तो मार ही सकते हो, 30% तो करना है, 1,20,000 अभी देंगे 1,20 उसको। एक मिनट, एक बच्ची मना कर दे रही, नहीं देंगे अभी, देंगे कि नहीं, ये 1,20 वो लेगा कि नहीं लेगा लॉस, लेगा। आप बोले थे ना 324 तक देंगे यार, अभी तो हुआ ही कितना है, 0 तक देना है, 0 बनाने तक दीजिए, कितना हुआ बोलो, 129, इनको 4 साल लॉस हुआ फिर 3 साल प्रॉफिट हुआ, बहुत केयरफुली सम बनेगा। बोलो थर्ड ईयर में 150 आ रहा है,
तो आप जजमेंट का कॉल लो अच्छा से। हाँ 129 उसको दीजिए, वेरी नाइस आंसर, और नील कर दीजिए। और यहां एक ठो कॉलम में कितना उसका लॉस होल्डिंग कंपनी बियर किया, उसका अगर कॉलम बनाना चाहें तो बढ़िया रहेगा। क्या आपको कंट्रोल देगा हमेशा, आप संभाल पाओगे सिचुएशन को। बाहर भी एक कॉलम रख के रखना, एक ठो और रख लो। बोलिए क्या कॉलम का नाम जो देना आप बना दो, इंस्टीट्यूट ने नहीं मांगा है, इंस्टीट्यूट इतना ही मांगा है लॉस बॉर्न बाई होल्डिंग। गुड, कितना लिखूं आंसर तुम बताना। 21, ठीक है। 21 को ऐसे लिखना चाहोगे कि ब्रैकेट दोगे, ये ठीक ही तो है, लॉस बॉर्न का कॉलम है, ऐसे ही रहने दे। समझ में आ रहा है ना, ये कॉलम इंस्टीट्यूट ने नहीं मांगा है, ये तेरे कंट्रोल के लिए, यू आर डूइंग इट। नेक्स्ट फोर्थ ईयर 2013-14 नील से स्टार्ट होगा। बोलो 120 का शेयर ऑफ लॉस है कि 120 लॉस है, तो उसका 30% 36 दें कि नहीं दें? नहीं देना, गुड आंसर, गुड आंसर। हाँ, इसको 57 कर दें या 36 लिखना चाहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, द वे यू वॉन्ट टू राइट इट 36, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि क्यूमुलेटिवली द लॉसेस ऑफ माइनॉरिटी विच हैड बीन बॉर्न बाई द होल्डिंग कंपनी इज 57,000। बाकी आपने अलग अलग ईयर बाई ईयर लिखा है, गुड, ठीक है। 14-15 बोली 15,000 का प्रॉफिट है, गुड आंसर। यहां देना है या उसको नहीं देंगे? बोलो नहीं देंगे। क्यों? हम लोग अपना जो पुराना उसका लॉस बियर किए थे वो रिकवर करेंगे, गुड आंसर। नील, नील इस कॉलम में क्या लिखना चाहोगे? 15 ब्रैकेट, फैंटास्टिक। तो क्यूमुलेटिव एक ठो वर्ड बोल दो ना, खाली तुम्हारे कंट्रोल के लिए। और अगर यहां क्यूमुलेटिव लिखना चाहोगे तो भी चलेगा, और हिसाब करोगे तो भी ठीक है, हिसाब करो ना, क्या दिक्कत है, इतना कमजोरी थोड़ी है। 42, ठीक है। मतलब क्या बोलना चाहते हो, 42 को क्या बोल रहे हो आप? और रिकवर करना है ना पक्का, तो इतना लॉस अभी भी हम बियर करके रखा है सब्सिडी सब माइनॉरिटी का लॉस को, ठीक है। 15-16 नील। क्या जी करना चाहिए आपको, बोलो। यहां लिखे 30,000 नील करें, गुड। क्यों, कितना प्रॉफिट कितना था वहां? 1,00,000 का प्रॉफिट था, उसका 30,000 इसको मिला था, तो नहीं दे पाएंगे उसका, तो 42 तो हमको डालना है ना। नील 30, अरे और कितना बचा उसको रिकवर करने का? 12,000। तो आप लोग इस तरह से लिख कर ज्यादा कंफर्टेबल है ना, वेरी गुड। बोलिए अभी लास्ट ईयर आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लास्ट ईयर आ गया, कितना प्रॉफिट हुआ था सब्सिडरी कंपनी को? 1.5 लाख, उसमें माइनॉरिटी का प्रॉफिट था 45,000। हाँ 33,000 आप इसको दे देंगे, गुड।
12,000 अपना रिकवर कर लेंगे। अब इसके अगले वाले साल में अगर प्रॉफिट आएगा तो, जैसे मान लो इसका अगला वाला साल में 1,00,000 रुपया का प्रॉफिट आया, तो हाँ नॉर्मल 30% जैसे दे रहे थे पूरा पूरा देते जाएंगे। सो दिस इज हाउ माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट इज हैंडल्ड। अभी अगर सुनना चाहेंगे तो एक लाइन बोलते हैं, इंड एस में अगर ये नेगेटिव भी रहता है तो नेगेटिव भी दिया जाता है। इंड एस तो पढ़ोगे ना जी कुछ दिनों के बाद, महीना भर के बाद, सिलेबस तो वही है, ये थोड़ी सिलेबस है, ये तो एक्स्ट्रा चैप्टर है। हाँ वो इक्विटी के अंदर ही रहता है और वो नेगेटिव में आए तो नेगेटिव में दिखता है। इज इट डन? आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं और आज अभी पढ़ना नहीं है हम लोगों को, कल सुबह क्लास है अपनी। ठीक है सुनिए, एक तो सम लिखिए तो होमवर्क में बना के लाइएगा, एक सम लिखिए, राम अक्वायर्ड एटी % शेयर इन श्याम ऑन 31/3/2012 full stop, on that date the share capital of Shyam was 25,00,000। ये सम बनाना है तुमको, हाँ, एंड रिजर्व्स 5,00,000। दोनों मिला दिया तो कितना, 30,00,000। 30,00,000 का अपने कितना परसेंट खरीदे, 80%। माइनॉरिटी के पास कितना है, 20%, यानी 6,00,000। 6,00,000 ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नीचे लिखो पैरा चेंज करके, द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ द नेक्स्ट 4 years इज, नीचे लिखो माने बगल में -15,00,000, ब्रैकेट में 15,00,000 50 ना कॉमा -20,00,000 कॉमा 4,00,000 ये प्रॉफिट है कॉमा 5,00,000। ठीक है, अब क्वेश्चन है कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट ईच ईयर। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या मांगा है क्या नहीं मांगा बताओ, इस सॉल्यूशन को देख के बोलो। गुडविल नहीं मांगा है ना, खाली ये टेबल बनाने से हो जाएगा 5 कॉलम का, यही मांगा है ना, ये आपको बना करके लाना है। कल मिलते हैं, थोड़ा कोशिश करना कि 7 बजे पहुंच जाओ, हम 7:05 नहीं तो 7:10 तक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं।